सर, मैं अनु त्रिपाठी अपने पीसी विभाग के लोगों से मैं मिल रहा हूं और मैं मिलवा भी रहा हूं। क्या नाम है आपका? हरिचंद थाना न्यू लखनऊ से हूं सर। लेकिन आज आपकी ड्रेस जो दिख रही है, ये लग रहा है कि पुलिस आप कम नहीं, ये सब आपकी कृपा से सब हो रहा। क्योंकि देखिए, ये बिल्ला, ये कार्ड, टोपी, वर्दी और इधर दिखाइए, ये UPBC। देखिए, जो लोग कंफ्यूज हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे ये भी भाई देखो, परशुराम रावत जी हैं और ये साथ में भैया क्या पाल जी, रामेश्वर पाल जी हैं और भी एक लोग थे भी कहीं, ये सभी लोग देखिए वर्दी में हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि भैया वर्दी पहनेंगे तो ऐसा ना हो कि साहब हमको नौकरी से निकाल दें। तो आज हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं कि वर्दी कैसे पहननी है और कोई नहीं निकालेगा, ये आपसे वादा करते हैं। जैसे इन्होंने ये कार्ड जो आपको जारी किया जाएगा शासन के द्वारा, वो आपको कार्ड मिल जाएगा, ये बिल्ला आपका बाहर बन जाता है। देखो भैया, अगर स्वाभिमान में रहना है तो वर्दी पहनना पड़ेगा, नहीं पहनोगे तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। जी जी, ये वाला बाहर ले लो, 10-15-20-30 रुपए का आता होगा, है ना? 50 रुपए है ये भी आपका सब बन जाएगा, ठीक। ये UPBC, ये वर्दी, मतलब कुल मिलाकर के एक बार अगर 2,000 रुपए खर्चा कर लोगे तो आप वर्दी में आ जाओगे। और जब आप वर्दी में आ जाओगे तो आपके 3 फायदे होंगे। नंबर 1, कहीं समाज में निकलोगे तो लोग सम्मान करेंगे। नंबर 2 आपका फायदा कि किसी जगह पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो पब्लिक भी आपसे इज्जत से बात करेगी सर करके। नंबर 3, आप किसी भी थाने में ड्यूटी करोगे तो आपसे झाड़ू के लिए कोई अधिकारी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वर्दी का स्वाभिमान होता है। तो फिलहाल मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि इस वर्दी को पहनिए, इस वर्दी से आपकी जो सोशल की जो मुक्ति के लिए आप परेशान हो ना, वो अपने आप मुक्त हो जाएगा। 2,000 रुपए का कपड़ा लेकर के अपना ये बनवा लीजिए, उसके बाद अपने आप सब बंद हो जाएगा, हमको फोन भी नहीं करना पड़ेगा। सही बोला कि नहीं? हो रहा है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, अरे भैया वर्दी पहन लेंगे तो हमको साहब नौकरी निकाल देंगे। अनु भैया का फोन मिला कर देते, तो टेंशन नहीं लेना है। ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप करवाइएगा, BC इसमें लिखवाइए, UPBC। जब UPBC लिखवाएंगे, ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, ये लीगल है, ये आप पहन सकते हो। उस सरकार को खुद शर्म आएगी कि भाई हम नहीं दे रहे, लेकिन चौकीदार अपने पैसों खरीद के पहन रहा है, तो वो रोकने वाले होते कौन है? नहीं रोक सकते सर जी, तो रोकने वाले कोई नहीं होते। तो फिलहाल यहाँ डरना नहीं है, हमके तो अपने दम पे अपने पैसों पहन रहे। मैं BC हूँ तो BC लिखाया है, मैं BC हूँ तो BC लिखाया है, ना मैंने यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं लिखा है, ना मेरे यहाँ कोई स्टार हमने लगा रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आप वर्दी पहन सकते हो, ये मैं आपको अपने वीडियो से पुष्टि कर रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी आपसे कुछ कहता है तो ये वीडियो आप दिखा देना, इतना काफी है, वो समझ जाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से आपका कोई भी काम झाड़ू पोछा का नहीं होता है, लेकिन आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब भाई धोती लुंगी में रहोगे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं गुलाम है सब अंग्रेज के, तो वो कराएंगे। लेकिन जब ऐसे आप आ जाओगे पोशाक में, तो फिर वो नहीं कराएंगे। और जब ऐसा कुछ कोई ही नहीं पाएंगे, ऐसा कोई जब आपको बोले कि वर्दी क्यों पहन रहे हो, तो आप उनको वीडियो दिखा देना कि तो आप बात कर लीजिए, अगर वो मना कर देंगे मैं नहीं पहनूंगा, ठीक। तो आज के लिए चलिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा ये जब वर्दी की ड्रेस देखी। मैं चाहता हूँ हर एक चौकीदार के शरीर में वर्दी होनी चाहिए, जूता होना चाहिए, मोजा होना चाहिए, चाहे वो खुद खरीदे चाहे खुद सरकार दे। और सरकार देगी, क्यों देगी? जब ये 30% चौकीदार वर्दी में आने लगेंगे तो सरकार को शर्म आएगी, तो फिर अपने आप लागू कर देगी, और जब लागू कर देगी तो आपकी जीत हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने आपको दिखाया तो आपकी सारी कंफ्यूजन हो गई है यहाँ फिलहाल दूर। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर के, और काफी आज संघर्ष किया इन लोगों ने, बड़ी मेहनत की है, क्या हम बताएं। आज हम आपसे तो बात ही नहीं कर पाए, पूरा वीडियो बनाते रहे। आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें यही कहना चाहेंगे कि अब की बार चौकीदारों ने जो अपना एक स्वाभिमान जगाया है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप का कभी श्रेय नहीं देता हूँ। हालांकि ये लोग मुझसे कहते हैं भैया आपकी देन है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ। मैं बस खाली इतना जरूर बोलता हूँ कि इनकी आवाज बन करके मैं काम कर रहा हूँ, बाकी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और इनकी मेहनत को देखते हुए मैं पागलों की तरह भागा चला आता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ जब आया तो हमारे सारे चौकीदार 4 बाग में थे, वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इको गार्डन में भेज दिया गया, लेकिन कुछ लोग तब भी हमारी वजह से वो इधर उधर छुपे रहे। जैसे मैं पहुंचा, उन लोगों ने भीड़ लगा ली, और भीड़ लगाने के बाद फिर हम लोगों ने प्लानिंग की, पैदल मार्च की, और रास्ते पर पैदल मार्च किया, पुलिस किलोमीटर बिल्कुल प्रशासन के साथ था, सब कुछ सभी लोग साथ थे। ईमानदारी से बताइए, कहीं किसी प्रशासन ने आपको टोका या रोका? कोई नहीं, नहीं रोका ना, स्वाभिमान से आए ना। जबकि उसी 4 बाग आलमबाग एरिया में जल्दी जुलूस की परमिशन नहीं मिलती। जी जी, हम लोगों ने बिना परमिशन अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए पूरा पैदल मार्च किया, इससे बड़ी जीत नहीं होगी। और योगी सरकार तक अगर वीडियो पहुंचेगा तो अभी तो यहां घुसे हैं ये लोग, अभी कहां घुसेंगे पता नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, दबा के वीडियो शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।